हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मिन व्लॉग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जाती हूँ ब्लड कलेक्शन करने। तो आज है 4 सितंबर, तो मैंने ये यहाँ सबसे पहले ब्लड कलेक्शन कर रही हूँ क्योंकि ये फास्टिंग का ब्लड कलेक्शन है। तो मैं फास्टिंग में जल्दी उठ के जाना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्रेश वगैरह होके जा रही हूँ अपना कलेक्शन करने। और ये कलेक्शन जो है वो एक छोटी सी बच्ची का है, तो मतलब उसमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि बच्चा लोग जल्दी ब्लड नहीं दे पाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी से जाते हैं और उसका कल्चर भी है यूरिन का। तो मैंने डब्बा दे दिया था कि यूरिन इसमें सेपरेट, जो पहले वाला फर्स्ट यूरिन होता है ना, वो लेने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए, हम पहुँच गए हैं अब इसके घर में। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सुबह जग के खेल रहे हैं। तो इसी बिल्डिंग में हमें जाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, रात हो गई है तो मेरे घर पे आए हुए हैं गेस्ट। तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं लैब से आ चुकी हूँ। तो ये देखिए, वो जो गेस्ट भी हैं उनका भी तबीयत ख़राब ही है, उनका अपेंडिक्स का मैंने ऑपरेशन करवाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी ले जाके सब सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इतना सारा डिश बनाया है, मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और फ्रेंड्स, रात में लैब से आने के बाद शाम में बिल्कुल भी कुछ बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन बनाना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो दिखाया है कबाब, तो उसके लिए मैंने सुबह ही से प्रिपरेशन करके रखा था। तो मैं 10 बजे के बाद इस कबाब को, जो अफ़गानी कबाब का रेसिपी में मेरे ब्लॉग में आ चुका, मतलब इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटन, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है मटन मेरा, और बहुत अच्छा कलर भी आया है। मेरा मटन इधर रेडी हो गया है, बस इसमें ग्रेवी डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नान रोटी बना रही हूँ। तो नान रोटी के लिए मैंने इसको भी मैंने सुबह ही में गूंद के रख लिया, और ये बहुत सारा हवा ले लिया। आप देख सकते हैं कि मैं दबा रही हूँ तो ये दब भी जा रहे हैं। और तो ये देखिए, अच्छे से ये मैंने बनने के लिए रेडी है। तो मैं नान रोटी भी अब बना लूँगी। और मैं यहाँ पर बनाई हूँ पनीर का सब्ज़ी, ये मैं कोफ्ता बनाऊंगी। ये पनीर का सब्ज़ी मेरा रेडी है, मैंने इसके भी रेसिपी शेयर किया है, आप मेरे चैनल से इसका भी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है वो बन के रेडी हो गया है। ये हम लोग उन लोग के लिए लंच लेके जा रहे हैं, नान रोटी और पनीर की सब्ज़ी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया और मैं यहाँ पर उन लोग के लिए बना रही हूँ चिकन। ये भी नाइट का ही है, मैं फिर नेक्स्ट डे नाइट में बनाई थी चिकन, चावल। और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम लैब पहुंच गए और यहाँ पे अंसारी जी रितेश का कलेक्शन ले रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग का दिन गुजरा आजकल। और माशाल्लाह, जो हम लोगों ने जिन्हें बुलाया था ऑपरेशन के लिए, उनका ऑपरेशन सक्सेस है और बहुत अच्छे से हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिरिंज में ब्लड आ गया है और अंसारी जी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं। ये होता है ना कि संगत का असर है। तो बस यही है कि सेलर अंसारी ने आज फर्स्ट बार ब्लड कलेक्शन किया, वो भी रितेश पे, जो कि हम लोग का लैब का एक स्टाफ ही है। उसका भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो ब्लड कलेक्शन बोला था करने के लिए, तो अंसारी जी ने खुद ही कर दिया और ये फर्स्ट पेशेंट है उनका। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से अंसारी जी ले लिए टूर्निकेट, रिमूव करके कॉटन रख के और अपना पेशेंट को हाथ मोड़ने के लिए बोल दिए। तो ये देखिए कैप लगाते हुए अंसारी जी। तो ये देखिए, मैं अब यहाँ पे फिर आ गई हूँ और मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। तो दाल में छौंका मार लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये बीच बीच का है तो इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं ना आती हूँ बहुत बिजी हो जाती हूँ और मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई है आजकल, और गेस्ट लोग आ गए हैं तो थोड़ा अच्छे से तो देखना, केयर करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई हूँ रात में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल सब्जी। तो ये देखिए, दाल मैंने बना ली है और मैंने टमाटर की जो चटनी होती है वो भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाया है, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो ये देखिएगा, दाल चावल ये टमाटर की सब्जी, और मैं इसके साथ कुछ स्पेशल भी बनाई हूँ, जो मतलब चिकन का कोफ्ता होता है ना, वो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रेडी हो गया है। मैं सब का एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई हूँ, और यहाँ पे मैंने भी चोखा भी बना दिया है कि ऐसा मतलब अच्छा लगे डिश, क्योंकि मतलब सादा खाने में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा रहना चाहिए, इसे टेस्ट और बढ़ जाता है। और रात में ही एक ऐसा मतलब खाना होता है जो कि आदमी सुकून से खाता है और अच्छे से खा लेता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चोखा भी बना लिया, और देखिए चोखा मेरा रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि खाने स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गया है। ये जो लड़की दिख रही है आपको, बहुत ही क्यूट है, और मैंने इसका अपने से ही बाल इसको छील दिया था, और क्योंकि इसकी जो माथा है उसमें घाव हो गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गया है, तो मैं बना रही हूँ रोटी, और फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना सारा काम ख़त्म करके तब जाऊंगी लैब। तो टाइम हो जाने के बाद, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ना रोटी बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और मोटे मोटे भी होते हैं, क्योंकि अब्बू को खिलाना रहता है और अब्बू लोग को ऐसे ही पसंद होता है, तो इसलिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जाते हैं अब दूध पी लेने। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे घर से गेस्ट जा चुके हैं, और ये 2-3 दिन का व्लॉग है, इसलिए मैंने ऐसे एडिट किया है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो एडिट करने का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध रेडी हो गया है, और इसमें ज़्यादा चॉकलेट है, ये वाला मेरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।